वन एंड वेलकम बैक टू मीत मोटर ब्लॉग चैनल। तो आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज वो है कि मैं कई व्यूअर को देने जाने वाला हूँ कई सारी गिफ्ट। तो जल्दी से चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक गिफ्ट आपकी हो सकती है। तो बात करें आज की, तो मैं आज करने वाला हूँ लॉन्ग ड्राइव। मैं आज सुबह बहुत सारे काम थे मुझे, तो मैं सुबह जल्दी से उठ गया था, इसी वजह से मैंने सारे काम फिनिश भी कर दिए। अभी अभी मैंने एक दूर का काम है, वो मीटिंग है एक क्लाइंट के साथ, तो वो भी फिनिश करनी है मुझे जल्दी से। तो हम जाते हैं वहाँ पे, वो मैं बाइक लेके जाने वाला हूँ। अभी तो कार में बैठा हूँ, ये फिनिश हो गया था ये काम। तो चलो जल्दी से जाते हैं और शुरू करते हैं राइड। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और कुछ भी कमेंट हो तो मुझे कमेंट करके पूछो, कोई भी सवाल हो तो सॉरी। चलो बाय। और मैनेजर साहब को पहले बोला था मैं जल्दी से जाने वाला हूँ राइड के लिए, तो मैं राइड के लिए निकल गया था। ये अच्छे व्यू है और अच्छा पुल भी है। यहाँ आप अहमदाबाद से रहते हो और गांधीनगर से रहते हो तो इस ब्रिज को ज़रूर आना। यहाँ पर फ़ोटो खींचने का जिसका शौक है वो खींचा सकता है, कई अच्छे व्यू आते हैं। और ये पुल का नाम मुझे कमेंट करके बताना, आपको नहीं पता हो तो मैं बोल देता हूँ। ये पुल का नाम भी है फोटो पॉइंट व्यू पुल। तो भाई यहाँ से बहुत ही अच्छे फ़ोटो आने वाले हैं, और आप इंस्टाग्राम या कई रील्स बना के डाल सकते हो। चलो भाई आप सुनते हैं होंडा का टर्नर साउंड क्या इफेक्ट आता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। भाई साहब बहुत ही तगड़ा साउंड है, तो वाव अनएक्सेप्टेबल, तो कान फाड़ देगा ये तो। अब आ गई एक नई मुसीबत, पता नहीं क्यों इंजन की ये लाइट जल रही है। मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। अभी मैं ऊपर आ गया हूँ मेन हाईवे पे, पर भाई साहब क्या लाउड साउंड एग्जॉस्ट साउंड था भाई, अनएक्सपेक्टेड है। 200 सीसी में इतना ज़्यादा टनल में आवाज़ करती है मेरी बाइक, अनएक्सपेक्टेड। वाओ जस्ट फीलिंग वाओ ऑसम यार फीलिंग, बस मैं खुश हो गया हूँ यार। आप लोग सोच लो कितना खुश होगा मैं, कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ होंडा के शोरूम पे, ये क्योंकि ये इंजन का नॉइज़ भी दिखा रहा है, इंजन की कोई प्रॉब्लम है तो बत्ती जल रही है। तो वहाँ पे जाऊँगा और एम्प्लॉय से बात करूँगा कि इसका क्या करना है, तो तब मिलते हैं बाद में। देख रहे हो मेरे पीछे होंडा यूनिवर्सल का शोरूम है, वहाँ पे सर्विस हो रही है बाइकों की। तो मैंने वहाँ से जाके उनके बंदे से पूछा कि भाई क्या हुआ है इसमें, तो उन्होंने देख के ऐसा बोला कि भाई इसको तो रखना पड़ेगा 2-3 दिनों के लिए, बाद में उसकी ये सर्किट परफेक्ट काट के हम कल देखेंगे कि सेंसर में प्रॉब्लम है या बैटरी में प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला एक बार तू इसका जो इंजन का किलिंग स्विच है वो देख ले, तो मालूम पड़ जाएगा तुझे। मेरी जब सर्विस हुई थी उन लोगों ने जो सर्विस का वहाँ इंडिकेटर होता है वो इंडिकेटर ऑफ ही नहीं किया था, इसकी वजह से ये आ रहा था। तो बाद में मैंने बोला इसको ऑफ कर दे तो शायद चला जाए, तो ऐसा ही हुआ। इंडिकेटर ऑफ करने के तुरंत ही वो इंजन की जो इंडिकेटर होता था वो चला गया। तो ऐसा होगा, बाद में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं यहाँ पे आके दिखा दूँगा। तो अभी तो अच्छा है, बाकी ऐसी कोई इसको प्रॉब्लम आई हो अपने हॉर्नेट 2.0 में तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ। और भी अलावा कोई भी और दूसरी बाइक यूज़ करते हो उसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूँगा तो ज़रूर करूँगा। तो चलो भाई शाम होने आई है, चंद मामा भी निकल गए तो जल्दी से जाते हैं घर, क्योंकि घर पर भी पहुँचना है और भी कोई काम है तो वो भी फिनिश करना है। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं राइड पर। अभी भी नाइट राइड होगी हमारी, तो वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कोई भी समस्या हो दिक्कत हो तो मैं शायद सॉल्व कर सकूँ। मैंने जैसे कि बोला था पूरी राइड अब देख के जाना, नाइट में भी होने वाली है मुझे पता था। मुझे थोड़ी भूख लग गई थी तो मैं खाने के लिए रुक गया था एक होटल दिखी तो। तो चलो गाइस इसका वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीक से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।